नमस्कार सत श्रीकाल, तुसीं वेख रहे हो इंडिया न्यूज़ पंजाब ते पंजाब पॉइंट, तुहाडा स्वागत है। अज पंजाब पॉइंट दे विच मुद्दा चुकण जा रहे हैं जिस तरीके दे हालात जड़े ने भारत ते पाकिस्तान दे विचाले बने हुए ने, आखिर अजिहे हालात क्यों बने ने, इस दे पिछे की कारण है। पाकिस्तान ने अज भारत दे विच भारतीय हवाई सीमा दे विच आण दी उलंघना की, हिमाकत की, जे कहिए तो जुर्रत की पाकिस्तान ने, तो अपना एक F-16 जहाज जड़ा है हुण उह गवा चुका है, उसनू डेग दिता भारतीय फौज ने। पर अजिहा कद तक चलेगा? भारत ने कार्रवाई की सी अतवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दा के खिलाफ, पर पाकिस्तान जड़ा हुण बास नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने कहा सी भारत तैयार रहे, सरप्राइज देवांगे, सवेरे ही उन्हें सरप्राइज दिता, पर उसनू मूँह दी खाणी पई, मूँह तोड़वा जवाब जड़ा है उसनू मिल गया, भारतीय फौजा ने जवाब जड़ा दे दिता। पर सवाल की खड़े हो रहे हैं कि मूँह दी खाण के पिछों भी पाक की गलबात के सदे तो की भाव है? सो पाकिस्तान ने भारत दे विच आण दी हिमाकत किवें कीती? मूँह दी खाण दे पिछों पाकिस्तान ने गलबात दा सद्दा दिता है, आखिर उस तो की भाव है? जेटली दे लादेन वर्गे अमरीकी ऑपरेशन दे जिक्र तो की भाव है? की समझण लोग, तो दोनों मुल्क हाई अलर्ट ते ने, आण वाली अगे चुनौती जड़ी है भारत दे लई ओ किन्नी वड्डी है, ते साडी तैयारी किन्नी वड्डी है, कि असी तैयार भी हैं ते नहीं, गल्लां नाल नहीं चलेगा, पर जमीनी हकीकत ते खड़े होके सानू दसना पएगा, इवैल्यूएट करना पएगा सिचुएशन नू, ते जानने की लोड़ है। अज यही पॉइंट जड़ा चुकण जा रहे हैं क्योंकि लोग जानना चाहते ने आखिर वो किन्ने महफूज ने। सो छोटी जी रिपोर्ट तुहानू विखावांगे। 26 तरीक नूं पाकिस्तान दे बालाकोट विच जैशे मोहम्मद दे ठिकाणियां उत्ते भारत दी कार्रवाई दे नाल बौखलाया होया पाकिस्तान हुण कायराना हरकतां ते उतर आया, जिस दा सबूत 27 तरीक नूं ही पाकिस्तान वल्लों कीती गई हवाई सीमा दी उलंघणा ने दित्ता। पाकिस्तान दे 3 F-16 जहाज भारतीय सीमा दे विच घुसे अते हमला करन दी कोशिश कीती गई, हालांकि इह सिर्फ कोशिश ही रही, ओह वी इक नाकाम कोशिश, क्योंकि भारतीय फौज दी मुस्तैदी दे चलदिआं पाकिस्तान दे इस कायराना हरकत दा करारा जवाब दित्ता गया। पाकिस्तान दे F-16 नूं भारतीय MiG-12 ने मार गिराया, जिस नूं पाकिस्तान दी सीमा च डिगदे होए खुद भारतीय फौज ने देखिया। हालांकि इस कार्रवाई दौरान साडा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है, जिस दी पुष्टि खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस ब्रीफिंग करके दिती है, ते इस ते जांच भी जारी है। उथे ही पाकिस्तान दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जहाजां नूं मार गिराया ते साडा पायलट उन्हां दी गिरफ्त दे विच है। हालांकि भारत वल्लों इस बारे अजे कुछ भी नहीं किया गया। In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. उधर ऐसे विचार केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का बयान सामने आया, जिस दे विच उन्होंने कहा कि जे अमेरिका ओसामा नूं मार सकता है तो भारत इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है। प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, आज तो वो भी संभव है। खैर, पाकिस्तान जो अपनी दोगली नीति ले ही जाने जाता है, ते वो इस वेले बखूबी नजर भी आ रही है, क्योंकि एक पासे पाकिस्तान दा खुद नु जंग दे लई तैयार दसना, पाकिस्तान F-16 दा भारतीय हवाई सीमा दे विच घुसना, ते लगातार सीज फायर दा उल्लंघन होना, ते दूजे पासे पाकिस्तान वल्लों ही शांति बहाल करन दीआं गल्लां करना, ते खुद नु शांति प्रेमी दसना। पर हुण इस दा कोई मतलब समझ नहीं आउंदा कि ये पाकिस्तान दी बौखलाहट है या फिर कायरता। दस दईए कि मंगलवार तड़के ही भारत ने पाकिस्तान दे बालाकोट विच वड्डी कार्रवाई करदे होए आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद दे कई ठिकाणियां नूं तबाह कर दिता सी। भारत दी इस कार्रवाई विच 350 आतंकियां दे मारे जाण दी संभावना भी है। बहरहाल सवाल यही है कि हुण अगे की भारत दी हुण स्ट्रैटेजी की होएगी? सिर्फ पाकिस्तान नूं मूंह तोड़ जवाब देना, या फिर अजिहा कुछ करना कि पाकिस्तान नूं अतवाद बारे अपनी सोच ते पाकिस्तान दे घर विच ही अतवाद नूं दित्ती जा रही पनाह बारे सोचण ते मजबूर होना पवे, क्योंकि आखिर मकसद तां अतवाद दा खात्मा ही है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ पंजाब।
हिमाकत की मुड़वा जवाब दिता गया, पर यह ले जाएगा कितने? इमरान खान ने भी अज बयान दिता तो कहा कि गलबात होनी चाहिए है। सवेरे हिमाकत करते हैं तो दोपहरे बयान देते हैं, आखिर की समझा जाए कि इन्हें तो यकीन किया जा सकता है कि पाकिस्तान के उपर भारत यकीन कर सकता है? भारत का एक पायलट जड़ा वह अजे भी लापता है, तो खबर यह भी आ रही ने कि पाकिस्तान के कब्जे में है, पर ऑफिशियली हले कन्फर्म नहीं होया। खास तौर पर मेहमान साढ़े जुड़ गए हैं, उन्होंने तरफ तुम करवा दें। कर्नल रिटायर्ड ओमवीर सिंह जी साढ़े जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो तो साढ़े नाल, रिटायर्ड कर्नल एस एस सोही साहब चंडीगढ़ तो, रिटायर्ड मेजर ए पी संवरिया साहब भारतीय जनता पार्टी तो चंडीगढ़ तो, कर्नल सज्जन प्रकाश जी वो भी चंडीगढ़ तो जुड़े ने, ते जलंधर तो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एस एस सोथी साहब ये भी साढ़े नाल जलंधर तो जुड़े ने। सारे का बहुत बहुत स्वागत है जी। चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अज भारत विच आण दी हिमाकत की। कल शाम नू ही पाकिस्तान फौज ने यह दसता सी कि असी सरप्राइज देवांगे। सो कर्नल ओमवीर सिंह जी किवें वेखदे हो हिमाकत की? देखो जी गौरव जी, जिस तरह तुसी दस्या कि मैं डोंट माइंड माई पंजाबी, राइट, आई विल ट्राई टू, कोई गल नहीं, मिक्स हिंदी एंड असी इंडियन है, कोई गल नहीं, जैसे कि आपने बताया है बिल्कुल कि भारतवर्ष ने एक नॉन मिलिट्री कार्रवाई की थी जी, जिसमें उसने जिहादियों के खिलाफ एक्शन लिया था। हाँ। लेकिन उस चीज से पाकिस्तान को इतनी इंसल्ट महसूस हुई है। हाँ। जबकि हमारे ट्रुप्स 40 किलोमीटर अंदर जाकर, हाँ, और बिना किसी नुकसान के वापस आ गए जिहादियों का कैंप को बिल्कुल खत्म करके, उस तरह से पाकिस्तान को हुन मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन वास्ते, अपनी कंट्री वास्ते उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन करना है, तो वही एक्शन वो करके दिखा रहा सी। हाँ। जब उन्होंने कुछ F-16 लेके सवेरे सवेरे सानू सरप्राइज दे रहा सी, उन्हें यह नहीं पता जे असी एक्शन लिता है तो असी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जिस तरह वो उन्हें हिमाकत की तो दे लॉस्ट वन F-16 एयरक्राफ्ट, सो हिमाकत का जवाब उन्होंने देता है। पर इस तरह है कि जब लड़ाई इस तरह की होंगी है तो सारे MiG-21 थोड़े पुराने हो चुके हैं, पर फिर भी F-16 भी हो सकता है, इतिहास पहली बार होएगा कि MiG-21 ने F-16 गिरता। हाँ जी, और इस तरह है उस इलाके से मैं खुद भी सर्व किया है, मैं सियाचिन से भी सी। हाँ। उत्थे हवाएं इतनी तेज चलती हैं। हाँ। कि यह साड़ा पायलट जड़ा है उन्हें जब पैराशूट तो जंप मारा होगा थले। हाँ। ते हवा नाल उड़ के वो पाकिस्तान इलाके से गिर गया होगा। हाँ। ते ऐ कोई बहादुरी नहीं है कि उन्हें पायलट नू पकड़ लेना। राइट। साडे कोल भी 96,000 प्रिजनर इन्हां दे सी 71 की लड़ाई। हाँ। एंड किस तरह किस अच्छी तरह असी उन्होंने ट्रीट किया है और शिमला समझौते अंदर इन्होंने वापस किया है। राइट। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक असी उन्होंने ट्रीट किया, वी गेव दम वेरी गुड ट्रीटमेंट। राइट। एंड देन वी रिटर्न दम 96,000 प्रिजनर्स टू देम। राइट। एंड आवर अबाउट 100 ऑड प्रिजनर्स आर स्टिल इन देयर प्रिजन्स ऑफ द पाकिस्तान। राइट राइट। इन्हां दी आदत ही है इस तरह का। सो हिमाकत की सी ते जवाब मिल गया। जी हाँ। राइट। कर्नल एस एस सोही साहब, सोही साहब किवें देखते हो आज सवेरे F-16 फाइटर जहाज तो भेजते पाकिस्तान ने पर मुंह तोड़वा जवाब ही नाल मिल गया? उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर तो कहते सके कि रात को आए थे भारतीय फौज के फाइटर जैट, तो उन्होंने टाइम नहीं लग्या तो तैयार नहीं सी, असी तो तैयार ही बैठे सके। सोही साहब, सोही साहब आवाज आ रही है तुहानू? लगता तकनीकी दिक्कत है। राइट। सोही साहब आवाज मिल पा रही है? यस सर। सोही साहब आवाज मिल पा रही है तुहानू? हाँ जी हुण आ रही है। हाँ सोही साहब, पाकिस्तान दे डिफेंस मिनिस्टर कहंदे सीगे कि भारत वाले तो रात नू आए असी तैयार नहीं सीगे ते इस करके वो वापस नस गए, ये तो सवेरे आए थे असी तो तैयार बैठे थे, जवाब नाल नाल मिल गया? देखो जी इस तरह ये हुण दिने जो मर्जी कही जाण। हाँ। पर वो आए ने भज के अपने बॉर्डर के उत्ते पिंडा च एक दो जो बंब जो सुट के दौड़ गए ने, एक साडा न्याणा बच्चे नूं सट लग गई उहदे नाल। हाँ। ते उहनां नाल पेलोड रिलीज़ करन दी कीती है।
अच्छा ना ये देखो कि वड्डी गल है साडा एक MiG-21 जेड़ा कि पुराना घोड़ा एडा पुराना घोड़ा हो चुका है 65 की लड़ाई तो चलिया आ रहा है साढ़े को तो वह आलमोस्ट अं कबाड़िया को वेचने वाले हाँ पर यह देखो कि उन्हें साडे मिराज ने इन्हों का जड़ा अपना सगा F-16 मिराज ना हाँ F-16 ठोक कढ़िया जी ये देख लो और आप तो मर गया बेचारा कोई गल नहीं बुढ़ा इसी ने मरना इसी वैसे ही डिग पैना ही किरे ना किरे हाँ। पर देखो एडे वड्डे लेटेस्ट जड़ा एयरक्राफ्ट है दुनिया का हाँ। साडे ईवन स्कोई वगैरह भी काउंटर कर लगी इन्हों डर लगता है उन्होंने भी छड़ गए ये MiG-21 ने उन्होंने डेग मारे है तो एक बड़ी वड्डी चीज़ है साडा तो जाता जो बेचारा बुढ़ा घोड़ा भी उन्होंने लत मार गया जाते डेग गया एक पायलट साडा इन्हें फड़ लिया जरूर चलो कोई गल नहीं है तो इन्नी को होंगी है ये बॉर्डर के उत्ते क्योंकि जहाज में लगी है तो बॉर्डर के 2 किलोमीटर उधर क्या इधर क्या एड्डी वड्डी स्पीड नाल जहाज आ रहे होंगे की फर्क पैंदा है राइट पर बड़ी वड्डी चीज़ है कि एक साडे बुढ़े घोड़े ने उन्होंने F-16 ठोक कढ़िया है ऑल राइट समरिया साहब किवें वेखदे हो जी गौरव जी समरिया साहब किवें वेखदे हो हिमाकत कीती सी ते अपना जहाज देख के निकल गए ओ बिल्कुल गौरव जी हिमाकत भी कीती सी और ए उना दी मजबूरी सी कि आज ओ बेवकूफी दा कम करन वास्ती मजबूरी सी हाँ। पर देखिए जदों ओ आए हाँ। और बॉर्डर ते घुसते साडी एयरफोर्स पेट्रोल ते ऑलरेडी सी और ग्राउंड फोर्सेस तैयार सी अंदर घुसते ठा और गया और F-16 होने कारण सोई दस रहे सी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दा गा तो ए जरा उना दे विच ओ मोरल करेज नहीं है ओ इथे की करन आए सी भाई तू असी तो कल जब किता सी ओ असी टेररिस्ट कैंपा ते अटैक किता सी ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਖਲਾਟ ਔਰ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾਯੁਕਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ MEA ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਸਹੀ ਸਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਬਰ ਕਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਊਗਾ ਬਟ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਖਲਾਹਟ ਔਰ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਲ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਆਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮੂਵੇਂ ਸੰਪ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਫੈਕਟਿਡ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
कि कितने आतंकवादी कैंप है तुसी आओ और उन्होंने मारो ताकि इस बीमारी तो उन्होंने भी पिंड छुट्टे। परंतु जो जरा सामने आती है गल वो कुछ होर होती है। उन्होंने इतनी हिमाकत की है आ करके कि हूँ वो चाहते हैं कि सामने आंख दिखाएं और इसका उनके ऊपर जरा इफेक्ट आज आया है। हमारे एयरफोर्स पायलट भले ही ये कहा जा रहा हो कि मिसिंग इन एक्शन है पर उसने अपनी हिमाकत की है और उनके F-16 का पीछा करते हुए पाकिस्तान में उसको जाके गिरा दिया। इससे ज्यादा और हमारी क्या बढ़िया सेना हो सकती है जिसनों अपन शाबाशी कर सकते हैं सलूट दे देते हैं। तो ये एक आज की तारीख से इस तरह की गल हुई है जो हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा कर दी है। राइट, भुपेंद्र जी भी साडे जुड़े हुए हैं। भुपेंद्र जी तुसी किवें वेखदे हो? देखो मोदी खान के पिछे हुण गलबात की गल कर रहे हैं इमरान खान, किवें देखिए असीं इमरान खान से विश्वास कर सकते हैं? आपां बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं जी। आज तक का इतिहास अगर आप उठा के देख लो तो यही सारा का सारा दोगलापन अपने को दिखाई देता है। पाकिस्तान हमेशा से दो मुंह वाला सांप जैसा भी बताया वैसा ही है, वो करता कुछ है दिखाता कुछ है। इनफैक्ट वहाँ पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वही सारा का सारा खेल करती है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो एक दिखावा है, सिर्फ एक चेहरा है। और ये पुराना इतिहास देख लो आप, ये तो इनकी मजबूरी है क्योंकि अमेरिका ने ऐसा लॉ पास कर दिया था आज से 15-20 साल पहले कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी तो सब प्रकार की एड इनको कट ऑफ हो जाएगी। इसलिए इनकी मजबूरी है कि एक मुक्ता रखना पड़ रहा है। हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते ना ही करना चाहिए। जो आज की वर्तमान सरकार ने पॉलिटिकल विल दिखाई है इसको कायम रखना चाहिए और इस पे अब बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और अंतिम लास्ट उस तक इसको लेके जाना चाहिए मुकाम तक इस लड़ाई को। क्योंकि बार बार यही देखा गया है कि सरकारें डर जाती हैं और कदम पीछे रख लेती हैं या वो कदम लेती ही नहीं है इसी डर से कि बाद में इंटरनेशनल प्रेशर हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रेशर हो जाएगा और हमें पीछे हटना पड़ेगा। और पूरे देश का अब भी आज की घटना के बाद भी इस प्रकार का माहौल है कि वर्तमान सरकार के साथ वो कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं और वो आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, भारत की सेनाओं को खुला हाथ दो और हम आपके साथ हैं। वी हैव टू कॉल ऑफ पाकिस्तान ब्लफ। ठीक है कर्नल ओमवीर सिंह जी, कर्नल साहब पाकिस्तान ठीक है गलबात की गल कर रहे हैं, इमरान खान का तुम सुनिया जिस तरीके उन्होंने मैसेज दिता वट ही टोल्ड इमरान खान, वो कहते कि हाले भी नरेंद्र मोदी तो साढ़े को एक चांस हैगा, कल अगर ये सिचुएशन होर एसकेलेट होंगी है रादर होर बढ़ जाती है तो दोनों के हथों जी है गल निकल जाएगी। किस तरीके बड़ी गहराई के समझने की लड़ है, कितने ना कि इमरान खान इंडीकेशन दे रहा है। हाले तो मैं फिर भी गल की गल कर रहा कि गल कर लीए पर तुसी अगर होर कुछ किया तो फिर मेरे हाथ च भी नहीं रहना, इट मीनस जनरल बाजवा जड़ा फिर कंट्रोल सारा अपने हाथ च ले लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी, उन्होंने पाकिस्तान नू अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। हाँ यह इमरान खान कह दी उन्हें बचानी मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है तो इस तरह वो थोड़े थोड़े हिंट्स ते दे रहा है। एक तरफ तो मुखोटा पाया हुआ है कि अपनी बड़ी बहादुरी दिखा रहा है, अपना बड़ा ब्रेव फेस दिखा रहा है, तो दूजे पास वो अपने दिल तो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन इधर निकल आवे ताकि साड़ी इज्जत बची रहे। एल स्ट्रैटेजी मैनू लगती है कि उसके दिल च है, पर जे उन्हां दी फौज ने कोई भी मिसएडवेंचर किया तो फिर साड़ी फौजा बिल्कुल तैयार हैं। एक्चुअली उन्हां दे वसकी लड़ना है ही नहीं जी, डायरेक्ट लड़ाई उन्होंने समझ आ गया है 71 की लड़ाई के बाद कारगिल की लड़ाई के बाद कि वी कैनॉट फाइट ए डायरेक्ट बैटल विद इंडियन आर्मी एंड दैट इज वाई दे हैव स्टार्टेड दिस प्रॉक्सी वार। आई एम इवन टोल्ड दैट एवरी डे दे गॉट सो ह्यूमिलेटेड आफ्टर 71 ऑपरेशन दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग दे टेक ए ओथ दैट वी विल ब्लीड इंडिया इंडियन आर्म फोर्सिस स्लोली स्लोली एंड दैट इज वाई दे आर पुटिंग दिस टेरर्स अग्गे करके उन्होंने साड़ी फौजा नु नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई लड़े। अच्छा तो डायरेक्ट लड़ाई उन्होंने बस की नहीं है तो उन्होंने यही लगता है कि भाई चार टेररिस्ट भेज दे, दो बंदे मार दो। नहीं चार टेररिस्ट तो बाद हुण चार जहाज भी तो भेजे सीगे। नहीं वो तो उन्होंने करना पाया ना क्योंकि कल उन्होंने जितनी बेइज्जती हुई है जिस तरह साड़ी फौजा जाके अंदर नुकसान करके आई है उन्होंने जहादियों का तो हूँ अपनी पॉपुलेशन ने भी तो कुछ दिखाना है ना उन्हें कि ऑलराइट असीं भी एक्टिव हैंगे। सोई साहब जिवें
कर्नल साहब कह रहे हैं, कर्नल वीर सिंह जी, पर किस तरीके नाल वेखिए, इमरान खान के बयान नूं बड़े तरीके नाल समझना भी पैना सानू। इमरान खान ने एक तरह के नाल अपने हथ खड़े करते, उसने कहता कि देखो ये लास्ट चांस हैगा, फिर गेंद जिहड़ी है मेरे हथों भी निकल जानी, मेरे पालों भी निकल जानी है, फिर मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर ताड़ी गलबात जिहड़ी होनी है हुण तां मेरे नाल हो जाएगी, उस तों बाद जनरल बाजवा नाल ही करना, किवें समझिए? देखो जी, तुहानूं याद होना 7 दिन पहलां भी इमरान खान ने इहो ही कहा सी कि देखो जी असीं शांति, मैनूं एक शांति दा मौका दिओ, क्योंकि जदों ट्रंप साहब ने कह दिता है कि इंडिया कुछ बिग करन जा रहा है तो इन्होंने इशारा मिल गया सी कि सानूं कुट पैण वाली है, उदों ही इन्हें कह दिता सी कि मैनूं एक शांति दा मौका दिओ। हुण देखो देखण वाली गल है, असीं शांति दा मौका उहनूं पूरा पूरा दिता है, उहदी इज्जत रखी है देश दे विच, असीं पाकिस्तान नूं नहीं छेड़िया, ना उन्हां दी हद नूं छेड़िया, ना उन्हां किसे सिविलियन नूं, ना उन्हां दे किसे आर्मी वाले नूं, असीं ते मिलीटेंट नूं जाके ठोकिया, जिहड़ा उह कहिंदे ने कि उह कहिंदे ने मिलीटेंट साडे ते है ही नहीं, अगर तुहाडे नहीं ते साडे वी नहीं, फिर असीं ठोक दित्ता, फिर हुण तुहानूं उहदे ते उत्ते उह दर्द क्यों आ रिहा है? अच्छा नौ, दूजी गल इह है कि इमरान साहब दे हथ च कह रहे ने, उहनां दे हथ च है ही कुछ नहीं है, ये पूरी जिहड़ी पाकिस्तान है ये उन्हां दी फौज ही कंट्रोल कर रही है, शुरू तो फौज कंट्रोल कर रही है। राइट, एस एस सोठी साहब भी साडे नाल जुड़ गए ने, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल जलंधर तो। सोठी साहब आवाज मिल पा रही है तुहानू? मिनट होर। सोठी साहब आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल साफ क्लियर आ रही थोड़ी गल्ल। सोठी साहब, सारे पैनलिस्ट साडे नाल बैठे हुए ने, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी हाँ जी, सारे रिटायर्ड कर्नल मेजर साडे नाल सारे बैठे हुए ने, पूरा पैनल है, तो तुहाडा भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब दे विच। चर्चा कर रहे हैं कि अगे हालात जिहड़े बनन जा रहे हैं, आखिर किस तरीके नाल भारतवासी ते खास तौर ते असीं पंजाब च बैठे हैं, साडे पंजाब दे लोग किस तरीके नाल समझण, हर कोई जानना चाहुंदा है कि जिस तरीके नाल मूवमेंट हो रही है, काफ़ी लोगों के सहम भी हैगा, असीं किस तरीके नाल समझिए? इमरान खान ने जो बयान दिता है उसके पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके नाल इमरान खान के बयान नूं समझिए, जदों इमरान खान कहिंदा है कि हुण तां मैं हाले भी तुहानूं गलबात दा सद्दा दे रहा, गलबात कर लो, फिर तो मेरे हाथ च भी कुछ नहीं रहना, ते नाल नाल इह भी कहता कि फिर कल नूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ नहीं रहना, इट मीनस कल नूं अगर सिचुएशन एसकलेट होंदी है फिर फौजां ही लड़नगियां ते गल करनगियां उस तों बाद। हाँ जी, तुहाडा सवाल मैं सुन रहा हाँ जी, बट मैं तुहानूं सारयां नूं इह दसना चाहुंदा, पहली गल इह जिहड़े पोलिटिकल क्वेश्चन तुसीं पुछ रहे हो, असी लोग सारे यूनिफॉर्म लोग हैगे, फर्स्ट थिंग वी यूनिफॉर्म दा अपोलिटिकल, साडे लई कोई पोलिटिकल चीजां है नहीं, बल्कि इस दिन दे लई वी चैप्स इन यूनिफॉर्म आर वेटिंग फॉर द पोलिटिकल डिसीजन टू टेक यू फॉरवर्ड, सो रादर आई वुड एप्रीशिएट कि तुहाडा क्वेश्चन मैनूं एक्चुअल एक्शन 71 वॉर रिटायर हो गए, सानू सारी चीज देखनी पेगी, गल यह है कि गल असी जिहड़े आम वसनीक है उन्होंने भी समझाना है, तुसी वधिया तरीके नाल समझा सकते हो, इसलिए तुसी साडे नाल जुड़े हुए हो, असी आम लोगों नू भी समझाना है, कई बार टेक्निकल टर्म्स जिहड़े लोग नहीं समझ पाएंगे, अज पाकिस्तान दे जहाज साडे इलाके दे विच आए, उन्होंने हिमाकत की, दो तीन आए सीगे, एक असी डेग दिता, पर सानू भी तो उन्होंने नाल डैमेज होया, जी हाँ जी हाँ, किन्ने क तैयार है असी? ठीक है ठीक है, तैयारी वालों कोई शक नहीं है, इंडियन एयरफोर्स आई हैव गॉट नो डाउट्स दैट वी आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंटुअलिटी, सी देखो सानू पोलिटिकल डिसीजन जो ये दिता चीफ नू वेरी क्लीयर जल्द उन्होंने हैंड दे दिता एट योर चॉइस एट योर टाइमिंग डू इट, सो दिस इज वन ऑर्डर फ्रॉम द पोलिटिकल लीडरशिप, हर एक फौजी वेट करता है, सो इट इज़ अ वेरी बिग डे फॉर ए चीफ मार्शल धनोआ टू गिव इट, एंड उन्हें वह प्रूव किया है, ओके एंड ही शोज यू वॉट द एयरफोर्स कैन डू, सो तुहाडे क्वेश्चन नू वापस आने पहली चीज़ तो असी दस दिता, एहो जिहा मिशन वेयर अबाउट 40 ऑड एयरक्राफ्ट आर वर इनवॉल्व, किहड़े किहड़ी हवाई जहाजां अड्डियां तो उड़ के आके कोऑर्डिनेट करके टू मेक दिस स्ट्राइक पॉसिबल एंड टू ब्रिंग योर एयरक्राफ्ट बैक, इट सेल्फ शोज हाउ वेल प्रिपेयर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वी आर, सो दैट इज योर आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन टू गिव यू द प्रिपेयरनेस, बाकी जिहड़ी अज चीज़ हुई है, अज जिहड़ी चीज़ हुई है, मैं भी 71 वॉर दे विच अंबाला बेस सेगा, साडे दो स्क्वाडन सीगे, एक नैट दा सी, एक अमृतसर जांदा सी, एक श्रीनगर जांदा सी, एज वी कॉल इट सिस्टर स्क्वाडन सी, और निर्मलजीत सिंह सिखों दे टाइम दी गल मैनूं चेते आ रही है, वो मेरे सिस्टर स्क्वाडन सीगे, वो श्रीनगर गया, तो मैनूं भी श्रीनगर दी
एयरफील्ड के हालात के बारे काफ़ी पता है तुझे। सो टू टेल यू, पहली जी असली चीज़ है कि जी साड़ी एयरस्ट्राइक हुई है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स फोर्सिस का शुरू तो यही रहा कि दे आर ऑलवेज कंसिडर दैन इक्वल और इफ नॉट इक्वल द थॉट दमसेल टू बी बैटर, उन्होंने डॉक्टरी नहीं आई रही है। ओके सो उस चीज़ ने ताई उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने ऑलवेज एम्फोसिस टू द सर्विसज एंड द एयरफोर्स द आर्मी रही है। सो उन्होंने हर सोल्जर का उत्थे और द टॉप मिलिट्री लीडरशिप का यह रहा कि दे आर इक्वली गुड। सो जी असी जी कल स्ट्राइक की है उसका रिटेलीएशन किसी तरीके ना होना बहुत उन्होंने अपनी इज्जत लिए बहुत जरूरी सेगा। पर वो भी स्मार्ट है जी, लेट अस गिव द ड्यू टू द प्लैनर, उन्होंने जी प्लैन की यहोजी टैक्टिकल जो वो चीज़ अचीव करना यही चाहते थे, कोई यहोजा कोई अटैक साढ़े तक कोई जिते साढ़े कोई नुकसान हो वो नहीं कर सके। बट टू माई माइंड इट वॉज अ वेरी वेल कैलकुलेटेड मूव टू सेंड द एफ 16 प्रॉब्ली टू विदड्रॉ हिम इन टाइम टू मेक बड़ा टैक्टिकल मूव सिगा वो जड़ा नुकसान कर नहीं पाए उन्होंने किया नहीं, या सानू एक इंडिकेशन देने आए थे लोग असं भी थोड़ी टेरिटरी आ सकते हैं, इट वॉज मोर ऑफ एन इंडिकेशन टू अस कि देखो आ गए असं भी सरप्राइज है ना। That is what I said. Haan. Coming. Now, let me also explain. Let me also tell you. Haan. So, you must understand to just violate a territory, you know, by a certain kilometer in terms of 1 minute, 2 minute, you have to also see toada bhi ki reaction time hai. Haan, je andar deep aajay, je aake kuch kar sake, wo cheez ho raha hai. To us reaction je banda je aake andar vaapas chale jave, wo ta jidda chor wali gal hai, jaake hath laake vaapas hona, it is not a very difficult thing. Now it is to go deep and stay 21 minutes inside to do a coordinated attack and come back. That is some achievement. Hun jidda ohi hai ki hath laake bahar aa gaya, baki jidda apni कबड्डी फंग मगर जाते हैं फड़ लिया तो फड़ लिया। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेल प्लान मेरे हिसाब ना मनूवर होया उन्हों का, कोई जो अंदर आना वॉज नॉट अ वेरी बिग डील। ओके एंड दे कुड हैव कम एंड गॉन बैक। ठीक है, तुम जुड़े रहो, सोनी साहब जुड़े रहो, बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। देयर टैक्टिक्स इज लेट अस गिव द ड्यू बट दैट इट डज नॉट इन। ऑलराइट समरिया साहब जी। ओके समरिया साहब, आज पाकिस्तान के जहाज अपने इधर आए थे, ये एक इंडिकेशन सी सानू दिखाने लिए सगा कि देखो भारत वाले नू कि असी भी आ सकते हैं, तुसी तो रात चाहे से असी दिन च आ सकते हैं, इस तरीके ने समझी सांवरिया साहब? नहीं गौरव साहब, गौरव जी मैं ये कहना चाहता कि देखिए जदों कोई भी आर्मी इदा दा वायलेशन दा डिसीजन लेंदी है और उसकी इंटेंशन होंदी है कि मैं साढ़े आर्मी ते आ करके अटैक करूंगी, वेरी सीरियस, इट इज नॉट दैट कि कबड्डी हाथ ला के पाले ते आके मैं वापिस आ जाऊंगा। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड बट दे यू नो दे आर सोल्जर्स एट देयर कंट्री। वो पूरा देखिए ये युद्ध का पूरा ऐलान हो गया सी, इदा दे असी जरा कल किता सी वो किसी गवर्नमेंट किसी टेररिस्ट ने किता किसी कंट्री ते नहीं किता सी, इन्हों ने करता। पर वो जेड़े ने वो खिला उन्होंने क्लीयर क्लीयर दिमाग से नहीं है कि करना की है वो देखो। लेकिन साड़ी फौज जेड़ी पेट्रोलिंग सी एयर पेट्रोल सी वो पहले ही तैयार 24 आवर्स रेडी ने और वो पहली बार है कि वो गिरा देता है F-16 गिरा देना मायने रखता है। बट साडी एयरफोर्स का मुकाबला पाकिस्तान दी कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो दिखाना चाहते सी आज मुंह की खा के गए ने साडे जवानां दे कोल। ऑलराइट ठीक है कर्नल सज्जन प्रकाश जी। कर्नल साहब क्योंकि हुण अपने नाल सोथी साहब जिहड़ा संपर्क टुट गया उन्हां नाल, अरुण जेटली जी आज थोड़ी देर पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्हाट ही सैड कि जी एबटाबाद दे विच जिस तरीके दे नाल अमेरिका ने ऑपरेशन किया ओसामा बिन लादेन वाला,
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਜੈਸ਼ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਓਪਨ। कया है उन्हों का बयान है वो भी काफी हद तक ठीक है, हाँ। परंतु एक चीज मैं इत्थे कहना चाहवांगा, हाँ। अभी भी दुश्मन नू अपने दुश्मन नू अपने तो कमजोर मत समझो, राइट। वो किसी भी तरीके तुहानू जो है ना हार्म कर सकता है, राइट। अज वेले भी सवेरे जेड़े वो आए सी उन्हां दे बड़े दो टारगेट सीगे, जिसमें पुंछ दे कोल कृष्णा घाटी चे अमनेसन डिपो ते था सुंदरबनी दे कोल, हाँ। जोड़ा हमारा अमनेसन डिपो है, दोनों टारगेट थे उन्हां दे। वो ठीक है कि हमारी पेट्रोलिंग एयर पेट्रोलिंग उस टाइम मुस्तैद थी और उन्होंने उन्हां दा पीछा करके मार सटिया, पर अगर वो कामयाब हो जाते तो सोचो सानू कितना बड़ा नुकसान कर सकते सी। इस तरह सोच के जेडे जेटली साहब कह रहे हैं कि असी एटबाबाद में जिस तरह अमरीका उठा के ले गया था उसामा बिन लादेन को मार के, इस तरह असी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, रोक किसी दे उत्ते नहीं है देश से। आज भी हमारी सेनाएं इतनी ताकतवर हैं, इतनी काबिल हैं, कैपेबल हैं कि अगर टारगेट दिता गया तो सरकार के ऊपर है ये विल पावर, सरकार नहीं होनी चाहिए कि तुसी जा करके हाफिज सईद नु चक के ले आओ, ऑलराइट, मसूद नु मार के। सज्जन प्रकाश जी, सज्जन प्रकाश जी, आई जस्ट वांट यू टू होल्ड ऑन। राणा अली जोहेब पाकिस्तान तो सीनियर जर्नलिस्ट साडे नाल जुड़ गए ने। राणा जी आवाज मिल पा रही है तुहानू? जी राणा जी आवाज मिल पा रही है? जी वाले साहब, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी राणा जी, हुण मैं तुहानू सवाल भी की पूछा, तुसी हुण देखो रोक ही नहीं रहे, मतलब कि किन्नी बार भारत ने कहा कि पीस एंड टॉक्स कांट गो टूगैदर, तुसी कहा कि देखो जैश का सरगना उत्थे नहीं हैगा, उन्हों जाके उन्हें बंदियां नू सानू मारना पिया, यही काम तुसी कर लेंदे ते अपने रीजन दे विच शांति रहिंदी, आखिर क्यों नहीं एक्ट कर दिया तुहाडी फोर्सेज? इमरान खान वैसे कहिंदे शांति होनी चाहिए है, शांति किवें होएगी? बंदियां नू आपां पाली भी जा रहे ना, शांति दी गल भी करी जा रहे हैं। अच्छा गौरव साहब, पहली गल तो ये कि तुसी के जिहड़ी गल कीती है कि जनाब सानू जाना पिया ते उन्हां दे बंदे मारने पए, मैनू यह दसो कि कल तुहाडी जिहड़ी एयरफोर्स पाकिस्तान दे विच उन्होंने स्ट्राइक की, केड़े बंदे मारे ते कित्थे मारे ते किन्ने मारे? ठीक है, पहले नंबर ते आज इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, साड़ी हर चीज उथे गई रात दे टाइम भी, आज भी सुबह दे टाइम, हाँ। सिवाए दो दरखत कट्टे उथे पए दी जगह ते कोई एक लाश, कोई एक चीज उथे नजर नहीं आई, किसी नु कोई नजर नहीं आई। पहले नंबर ते ये दावा झूठा हो गया कि जी दावा झूठा नहीं है, तुसी हुण दिखाओ ना ते गल वखरी है ना, वह तो तुम दिखाओ ना तो गल वक्री है, सबू पता है। हम देखो बंदे तो मारे गए, सारा कुछ ओके है, हम तुम लुको के रखो, तुम्हें भी नहीं मिलता, तुम भी नहीं जान दिता होना उत्थे उन्होंने, हम तुम भी जानते शायद दस ही देंगे 50%। मैं थोड़े तो बीइंग पंजाबी होने के नाते मैं एक्सपैक्ट कर रहा हूं शायद तुम दस ही देंगे। वालिया साहब, 300-350 बंद का तुम दावा किया, 350 बंदा कितने किसी ने पाना है? मैं इस गल का जवाब तुम दो ना, वो किस तरह कितने लुक के जा सकता है, कितने जा सकता है? रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं तुहानू अपने बिहाफ ते इनवाइट करना, मैं स्पॉन्सर करने तैयार हां, तुहानू आओ पाकिस्तान आओ, मैं तुहानू लैके जाना उस जगह ते, और मैनू विखा दिओ कि कित्थे तुसीं अटैक कीते ने, कित्थे बंदे मारे ने, कित्थे इत्थे कैंप कैंप मौजूद ने। बाकी साडे पैनलिस्ट सवाल पूछना चाहते, मैं उन्होंने सवाल लेना, फिर जवाब दे देना। समरिया साहब जी, जी मैं राणा साहब ते तरस खा के कहना के भाई मैनू आवाज नहीं आ रही, हाँ, हुण आवाज आ रही है। आवाम की आवाज आंदी है, तुहानू आवाज नहीं आंदी। मैं ये कहना चाहना है कि तुसी तो सारे डिनायल मोड ते होंदे रहिंदे सी,
जो सर्जिकल स्ट्राइक की सी आज की मजबूरी होगी सी तुहाडी कि तुसी मनन लगे कि हाँ जी भारतवर्ष की फौज आई सी पर वो आई और तुहाडा आई एस चीफ की कहता है कि ये जिहड़े रात भी आ गई जे सुबह आ जाती तो असी इन तारे दिखा देंदे रहे हुण तुसी दो पेड़ की गल करते हो और जिहड़े धूलकोट के जिहड़े उत्थे सारे टैररिस्ट कित्थे इकट्ठे किए जी तुसी जिहड़े यार उस असी तो तुहानू फड़ना सी बहावलपुर विच पहला टारगेट साडा ओ होना सी पर तुसी डरपोक हो के हाँ। मसूद नू लेता उथनू उठा करके मिलिट्री अस्पताल छड़ता ओ तुसी गलतफहमियां ना पालो अपनी हुण भी मसूद नू सानू दे दिओ तां बच जाओगे किदां वरना तो आज जटले साहब जिहड़े फॉरेन मिनिस्टर नू कहा है और जिहड़ा मिस्टर ट्रंप जिहड़े अमेरिका दे प्रेजिडेंट ने उन्होंने कहा कि समथिंग वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन सांवरिया साहब ने कहा है कि तुसी अजहर महमूद नू मसूद अजहर नू उन्दे भरावां नू बाकी जिन्ने भी दहशतगर्द है उन्हां नू भारत नू सौंप दो तो ज्यादा वधिया है किते ना किते सानू भी तुसी मजबूर करोगे फिर जाके फिर उन्हां नू भी चुक के लियाना पेगा भावें जिंदे फड़ के लियाइए फिर डेड बॉडियां लियाइए ये काम खून खराबा तुसी आप ही एग्रेवेट ना करो साढ़े हवाले कर दो या उसनों अपने कानून के तहत वैसे उसनों सजा दे दो कुछ करो तो सही गल हो है वालिया साहब मैं तुहाडा क्वेश्चन सुन लिया हुण मेरी गल कंप्लीटली जरा बड़े तहमल दे नाल सुनो जी जी ठीक है जी मैं पहले नंबर से जिहड़ी गल तुसी कर रहे हो कि अजहर मसूद ते फलाना ते जैशे मुहम्मद ये वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान दे विच और उस तो बाद बशमूल जनरल मुशर्रफ दे उते अटैक दे जैशे मुहम्मद दे बहुत ज्यादा लीडरान उते पाकिस्तान दे विच एफ आई आर मौजूद ने जिहड़े उन्हां दे उते मुकदमात ने और तुसी कह रहे हो कि उन्हां दा वजूद पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान च बैठे ऑपरेट कर रहे ने यह बिल्कुल गलत गल है इस तरह की नहीं है इस तरह की कोई सीन नहीं है अगर इस तरह का हो पुलवामा अटैक तो फौरी बाद साडे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सानू कोई एक पाकिस्तानी दा सानू दे दो एक्शनेबल सबूत मसूद अजहर पाकिस्तानी नहीं हैगा अज भी जिन्नू तुसी रखे हो कौन है पाकिस्तानी तो मुराद के कोई पाकिस्तानी तो मुराद के या तो पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई हो किसी बंदे ने पाकिस्तान दे विच बैठ के काम किया हो अच्छा ठीक है कर्नल ओमवीर सिंह भी सवाल पूछना चाहते सवाल ले लो कर्नल ओमवीर सिंह साहब तुहानू की सबूत चाहिए जैसे जैसे मोहम्मद अपने आप ओन कर रहा है कि मैं कितने हैं हमले कितने हैं और की सबूत चाहिए पहले कितने सबूत तुहानू दे चुके हैं असी की किता तुसी उन सबूतों नाल असी डोजियर बना बना के तुहानू डोजियर बना बना के दिते हैं असी की किता उन डोजियर दा तुसी अन सबूत की चाहिए तुहानू सबूत बिल्कुल दहशत खा रहा है हवा ले रहा है उसके बावजूद साडे कोल आके पुछदे हो कित्थे हैगा राणा जी नवीं गल्लां तुसी करदे हो जर्नलिस्ट हो की इदां दी गल्लां करदे हो जो करतारपुर साहब लांघे दे लई गए सी पत्रकार सीधा ट्रांसपोर्ट एक थां ते दूजी थां ते ज्यादा जान नहीं किथे दिता उथे रख लिया कि किथे इधर उधर ना चले जान उदो तो इन्नी टेंशन सीगी तुसी सानू उथे जान दोगे जिथे एक्चुअल सीन होया क्या गल कर रहे हो राणा जी झाड़ पाती हट जाए हुण समझे उथे भी बेचारे मासूम लोग रहिंदे आ
नहीं 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 देखो देखो अमरीका ने सिर्फ पाकिस्तान गल नहीं की, उन्हें पूरे खिते की गल की है कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोवे के दरमियान कशीदगी खिते वास्ते नुकसान देवे। मैंने पालिया साहब कहते हो कि एक अच्छी स्थापित नहीं करते, लेकिन तुम भी अगर टीवी से बैठे हो अच्छे हो तो हूँ ही प्रिटेंड करना प्रोटेक्ट करना बंद कर दो, एक अच्छे तरीके लगे चलो। अज की कार्रवाई सारी ताे सामने में अभी ताे पायलट आप अंदरों चुके नहीं लिया, जहाज अंदर जाके ताे नहीं मारे, अपनी पाकिस्तानी हदूद च रह के सारा कुछ किया। हूँ हले भी तुम अगर कह रहे हो कि पाकिस्तान ने नजायज किया तो फिर मैनू नहीं समझ आ रही कि फिर तुम एक्चुअल चाह की रहे हो। अज भी एड्डी वड्डी कार्रवाई तो बाद भी अगर तुम यह कहो कि जी पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान फलाना, पाकिस्तान धमकाना, पाकिस्तान कर की रहा है, वो बंदा ताडा साडे कोल है, उहदियां दो वीडियो तुहानू विखातियां ने पूरे दुनिया नू पूरे वर्ल्ड नू, ठीक है होर की चाहिए जी। उन्हें वो पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करता पाया कि जी मैनू बड़ी अच्छी अच्छा लग्या, मैनू बड़ा सुकून है, तो मैं यहो जी इज्जत अपनी आर्मी को चाहना सर जी पाकिस्तान आर्मी तो मैनू मिलती पई है। तुम पता नहीं किहोजियां वालियां साहब गल्लां करदे हो, असीं तुहानू पुलवामा हमले तो फौरी बाद कहा कि छड़ दिओ इस गल नू, अगे आओ सानू तहकीक च जिथे कहिंदे ओ हाजरां तुहाड़े वास्ते। तुसीं दो जहाज भेज के दो दरख्त साड़ के कहता जी 350 बंदा मार दिता है जवाब दे दंगा, पैनलिस्ट खूब काफी सारे बैठे हुए हैं, ठीक है एक एक करके उनका सवाल ले लो। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एस एस सोथी साहब जलंधर तो, सोथी साहब राणा अली जोहेब जी साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान तो, वो कह रहे हैं कि तुसी कोई प्रूफ तो दो बंदे मारन की गल ही कर रहे हो, दसो उन्होंने प्रूफ कितनी बार दईए कित्थे दईए। देखो इस चीज का प्रूफ, इस चीज का प्रूफ की भी कोई बड़ी गल नहीं है, जो टारगेट जो डिस्ट्रॉय किए हैं एक दो दिन बदल है अपनी जो बदल जो क्लियर हो गई सैटेलाइट से आप ही कोई भी किसी भी कोने जाके फोटो देख सकता है कि किन्नी किन्नी चीज डिस्ट्रॉय हो गई है। ये अजकल दे टाइम से डिनायल मोड कत ही रह सकता है, ये दोज डेज आर गॉन, यू विल बी एबल टू सी द क्लियर पिक्चर दैट वी हैव शोन यू ऑन आर चैनल्स टू से दैट दीज टारगेट्स हैव बीन अटैक्ड, दिस इज द प्रोसीजर्स ऑफ दिस वेपन सिस्टम, ओके। एंड टुमारो जब सैटेलाइट्स विल बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू डोंट हैव टू इंडिया टू गिव एनी प्रूफ, सो प्रूफ देन का भी टाइम खत्म हो गया, टुडे द यू कैन सी फॉर योरसेल्फ दिस टारगेट इज हैव बीन एंगेज्ड। राइट राइट राणा जी कहते सैटेलाइट तो वैसे प्रूफ मिल जाता, वो तो गल वक्री, उन्हें मनना नहीं अपनी इज्जत ढकन नु बचाण नु तुसी जो मर्जी कही जाओ। सर लियो 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 सर मैं कहना तुहाडे कोल भी सैटेलाइट होणगे, तुसी जिहड़ा बाबा आदम दे जमाने तो सवाल लेके बैठे हो जां बैठे हो तां दस दो, चलो अमरीका दे तुसी जहाज लै लिया और देखता कोई गल वक्री है। मैं पैनलिस्ट तो होर सवाल लै लैंदा, ठीक है तुहाडे कोल मैं आना, ठीक है कर्नल सज्जन प्रकाश जी राणा जी नाल जुड़े हुए ने, प्रूफ मंगी जा रहे, दसो प्रूफ किदा दईए किन्नी बार दईए, प्रूफ दे के भी तो कुछ बनता नहीं, किन्नी बार प्रूफ देवांगे कर्नल साहब। जेड़े नो अगर दिन में सूरज ना दिखाई देवे हाँ। तो उस अन्ने नो की विखा सकते हो, तुसी जिन्ने मर्जी प्रूफ दे दो हाँ। पाकिस्तान ने मनना तो हैगा नहीं, आज इन्नी विजुअल चल रही है नेट दे उत्ते आई हुई है, ते उत्ते मंजिया ते उत्ते दो एक एक मंजी ते दो क्लासा पड़ी है इन्हां दी हाँ। और उन्होंने लाइन च लगाया होया है हाँ। और क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि उधर कितना डैमेज इन्हां नूं हुआ है, बिल्डिंगा भी टूटी हुई है ते नाल ही बंदियां दी लाशां पई हुई है, लोकी उन्हां नूं मैनेज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये मनन नूं तैयार नहीं कि इन्हां दे उपर इतना हमला भारी होया है, और इसके बावजूद भी ये कहने को नहीं इन्हां नूं शर्म आती कि वे असीं मन तो लिए कम से कम के अटैक होया है उसके अंदर डैमेज कम होया ज्यादा होया वो वक्री गल है, अटैक तो मान लिया सारा उन्होंने, सारा उन्होंने अटैक मान लिया सी कहंदे सुते पए सी कि असीं तैयार नहीं सीगे, हले बूट चरबा पाइया नहीं सी, जब तक पान लगे इन्नू सी कम कर गए सी, अटैक तो मान लिया उन्होंने, ठीक है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी ठीक है राणा जी, वैसे भूपेंद्र जी का सवाल लेके तुहाडे कोल आना मैं, यही कहया कि असीं सुते पए सी हां डिफेंस मिनिस्टर ही कह रहे हैं हले सो रहे थे। मैं राणा जी वैसे तुहाडी जानकारी लिए वादा कर दवा कि बीबीसी की रिपोर्ट हैगी है दो अजिहियां रिपोर्ट जिहड़े तुहाडे इलाके दी, हुण बीबीसी नूं तुसीं झुठला नहीं सकते, उहना तुहाडा ना साडा, उहना दे विच तुहाडे इलाके दे बंदे खुद कह रहे हैं कि राती जो इंडिया ने काम करना सी वह करता, बंदे टैटेरी करते नेस्तो नाबूद करते, उन्होंने कुछ लोगों ने कहा साढ़े भी जानकार सके जोड़े उपर जा चुके हैं, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, तुम ऑनलाइन हमने बैठे बैठे मोबाइल सर्च मार लेना फेल कर करना। भूपेंद्र जी की कहना चाहोगे, जब तक मैं सवाल लेना तद तक तुम सर्च करो भूपेंद्र जी। मेरे को ये कहना है कि बहुत राणा जी के साथ मेरी संवेदना है, क्योंकि
ना केवल भारत आज के दिन आरोप लगा रहा है, पिछले कई वर्षों से विश्व के जो विकसित देश हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करके बैठे हुए हैं। और केवल हम नहीं कह रहे, वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोप के कोई भी देश हो, वो सारे के सारे ये चीज कहते हैं जो आज तक हम कह रहे होते कहते थे। और ये कोई सवाल नहीं है, अब तो एक्शन करने का टाइम है। बहुत सवाल जवाब के पिछले 50 साल निकल गए हैं। जो आज की वर्तमान पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने किया है वो बहुत ठीक किया है, इसको अंतिम अंजाम तक लेके जाना चाहिए। आप जब पीछे नहीं, बिल्कुल भी, इतना ही हमारा कहना है। राणा जी, हूँ तो जवाब है, तुम जवाब दो, फिर मैं कर्नल जी को लाना है। ठीक है राणा, तुम वीडियो लभ लिया होना मेरे ख्याल हूं तक, अगर तो नेट चल रहा था। मैं नेट तो है ना पाकिस्तान च। मैं पहले गल कर्नल सज्जन प्रकाश जी साहब का, जरा उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तो हर चीज मिल जाती है। तुम सैटेलाइट से बड़ी दूर की गल है, सैटेलाइट जो फुटेज लैन वास्ते रिक्वेस्ट कर दो, मर्जी वो देंगे नहीं देंगे। मैं जी गल कर रहा कि जो अभी एक तुम ओपन ऑफर देती है, ओपन ऑफर, ओपन इनविटेशन ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਕਿ 350 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ, 350 ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। बीबीसी की रिपोर्ट मैं नहीं पता कि बीबीसी ने की रिपोर्ट दी है। बीबीसी रिपोर्ट दे रही है, मैं अपने वालों रिपोर्ट पैदा करके इंडिया को दे रहा है। सारी दुनिया कि ओसामा बिन लादेन साडे कोल नहीं हैगा, नहीं हैगा, किन्ने साल कहंदे रहे ओनू, दूसरे पासे पालदे रहे, रोटी खवांदे रहे, इधर कहंदे रहे साडे कोल नहीं, उधर कहंदे है नहीं हैगा, पर होया कि अमरीका ने लभ लिया ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਮੰਨ ਲਓ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਚ ਆਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਗੱਲ ਹਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਤੇ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੋਊ ਹੈ। नहीं 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 वालिया साहब, मेरी गल सुनो, असी किसी किस्म की अग्रेशन वाले पासे पहले दिन तो नहीं आए। अटैक होया पुलवामा के विच, फौरी तौर से साडे वल्लों रिएक्शन होया, साडे प्राइम मिनिस्टर ने हर किस्म की ताडे नाल तावन करन दी तुहानूं ऑफर करवाई। उस तो बाद की होया कि जनाब तुसी एक फौज चाड़ दी, एलओसी ते सीज फायर खिलाफ सवाल ले लो। कर्नल सोई साहब, सोई साहब को सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे को टाइम घट है बिल्कुल। सोई साहब, देखो जी, पहली गल है ये नहीं मानते, कोई गल नहीं। ये कहिंदे ने अतवादी साढ़े नहीं है। इमरान साहब ने कहा कि मैंने एक शांति का मौका दो, असी इन्हां दी इमरान साहब की बड़ी इज्जत मान रखी है, उन्होंने शांति का मौका दिता है। पाकिस्तान नूं असी छेड़िया नहीं, इन्हां दे किसी सिविलियन ते अटैक नहीं किया, असी मिलीटेंट से POK ते गए हैं, उत्थे मिलीटेंट नूं मारिया है। अगर मिलीटेंट इन्हां दे नहीं है तो फिर इन्हां नूं उन्हां दा दर्द क्यों हो रहा है? अगर असी तो मारिया है तो बदला लैण लई इह क्यों भज्जे फिरदे ने? तुसीं तेल वी खराब कीता, इक डेग वी लिया, फिर फायदा की होया? तुहाडे बंदे वी मरे सी, तुसीं फिर ऐवें भेजी जा रहे हो, दसो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ,
ना लो पंगा हले भी कह रहे हैं भारत में पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है समझ लो तुसी सही टाइम पे इमरान खान को जाके सलाह दियो जनरल बाजवा नु कि एवं बिना किसी गल तो बड़े मुल्क नाल जिन्ने जे तुसी अड होयो हो डैडी डैडी रहंदा उस ना पंगा नहीं लेईदा हुंदा ए सुई समतानु समझा देना चाहिए वालिया साहब पंगे तुसी सीनियर बंदे हो ताई ताडी से रिस्पेक्ट करदे ताई तन नाल जोड़या सीगा तुसी साडे नाल जुड़े तोडा जुड़न लई बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे को समा काट से रियली अपोलोजाइज फॉर दैट थोड़ा सारे बहुत-बहुत धन्यवाद इजाजत दियो धन्यवाद।